रेणुका देवी जिंदाबाद, 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 रेणुका देवी सीकुसी रेणुका देवी को वापस मिल गई। एयरपोर्ट रोड पर श्रीमती रेणुका देवी का शानदार जश्न मनाया जा रहा है। कई लोगों ने और पार्टी के सभी सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रेणुका देवी के विरोधियों ने कुछ इस तरह से गुस्सा दिखाया। विरोधी पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनके पोस्टर भी फाड़ दिए। इस्तेमाल कर रही है, पोस्टर फाड़ डालो। रेणुका देवी, 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 हाय हाय। पार्टी जब से शुरू हुई है तब से मैं हूँ। पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया है मैंने। पिछले 10 सालों से इस कुर्सी के लिए मैंने लोगों की सेवा की है। मुझे यह सीट ना देकर इस पार्टी ने कल इस रेणुका देवी को सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ है, ये धोखा है। मैं लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। उसे इस पद से हटाए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। कौन है ये? हमारी पार्टी के एमएलए है मैडम। रेणुका देवी, हाय हाय, रेणुका देवी, हाय हाय। मुझे इससे मिलना है। मैंने पहले बोला है ये पूरा मुझे चाहिए। मैंने पहले से अपना काम कभी पता नहीं। क्या कहा, मुंबई आया हुआ है? अरे सारे वीआईपी तो यहीं आते हैं। धनवीर साहब का ऑर्डर है, रेड्डी को खत्म करना है, उसको तो वहीं टपका सकते हैं। दीना, कल रविवार है, रेड्डी अपने फार्म हाउस में अपने बच्चों के साथ होगा, सिक्योरिटी भी नहीं होगी। कल मिस किए बिना उसे उठा सकते हैं। कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, माल मिलते ही टपका दो। हैं, रेड्डी कहाँ मिलेगा मुझे बताओ। जल्दबाजी मत कर, प्लान मिस हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। दीना, तू कभी खाली हाथ नहीं बैठ सकता, तेरे पास हर समय बड़ा काम ही रहेगा। जब तक धनवीर भाई दुबई में बैठे हैं, ये दुबई की बंदूक है। ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये मेरी बॉडी का एक पार्ट है। ए दीना, अरे बैठ ना, कहाँ जा रहा है, बैठ बैठ। मैं अब सुधर गया हूँ सर। मैंने तुझसे कुछ पूछा क्या? नहीं। इस तरफ कैसे आया? मछली लेने आया था। सर मैं यहाँ एक शादी में आया हूँ, विश्वास कीजिए। ये बात है। हाँ? हाँ? जाओ जाकर पानी लेकर आओ, बहुत जाओ जल्दी। मैंने सर सेफ्टी के लिए बंदूक रखता हूँ। पान खाया हूँ सर। सर मैं आपको जानता हूँ सर, मुझे मारना मत सर। मैं वापस चला जाऊंगा सर। जब तक जिंदा रहूंगा मुंबई की तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐसा मत बोलो, टपकाना होता तो गले में हाथ डालकर बात करता क्या, गोली मारकर निकल जाता। कमिश्नर ऑफिस में एक स्टेटमेंट देकर निकल जाना। आओ सर, आजकल तो मैं मांस भी नहीं खाता सर। एक जान को मारकर अपना पेट कैसे भर सकता हूँ, इसीलिए मैंने खाना ही छोड़ दिया। मैं अब हर रोज मंदिर भी जाता हूँ सर। सर कोवलम के पास दीना को सिक्योर किया हुआ है सर। वो दूसरे स्टेट का अक्यूज्ड है, प्रोसीड इमीडिएटली। विद इन आवर सर। डू इट। यस सर। मजाक कर रहा था, तू डर गया क्या? अच्छा ये तेरा जो बॉस है धनवीर, वो कहाँ है? मैं तुझे छोड़ दूंगा और तू वापस आंध्रा जा सकता है, ठीक है ना? ये इतना सारा सोना कहाँ से आया?
कहीं डाका डाला था क्या? बता। नहीं सर, जब जब मेरी डील होती है मैं हर बार एक चैन खरीद लेता हूँ, ताकि आप जैसा पुलिस वाला कभी पकड़ ले तो उसे ये सब देखकर मैं अपनी जान बचा सकूं। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। इस तरह की हरकतें मेरे सामने करोगे तो जान से मार दूंगा। खर्चा किया है, पहने रहो। इधर घूम तो मैं तेरा फोटो लेता हूँ। क्या लग रहा है इस्माइल? सर फोटो रहने दीजिए। ऑफिशियल एनकाउंटर से पहले लिया जाता है ना, और तुम एनकाउंटर के बाद ले रहे हो। ये इसी विक्रम कुमार के आने के बाद से 20वां या 21वां एनकाउंटर है ना। सर, तमिलनाडु को अमन का शहर बनाना है तो सिर्फ कचरों को साफ करना काफी नहीं है। We should eliminate this criminals. वैसे राजनीति में हम मंत्री ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अब आईपीएस ऑफिसर भी बोलने लगे हैं। सर, आप चाहें तो गलती कर लो, प्रॉब्लम आ गई तो ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब देना पड़ता है, लेकिन हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। चाहे जो भी हो, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर, कांग्रेचुलेशन। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सभी जगह आपका नाम छाया हुआ है। हमारी टीम की वाट लगाकर अपने हिसाब में 23 एनकाउंटर डाल दिए। इन सब का बड़ा हिसाब रखते हो तुम। क्यों सर, आपको जैसे केस मिलते हैं वैसे मुझ जैसे ट्रेंड ऑफिसर को क्यों नहीं मिलते सर? जो केस तुम हैंडल कर रहे थे उसका क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुंबई के दादा जवाहर को फॉलो कर रहा हूँ। वो गलत खबर है, तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। पता है वो अभी कनाडा में है। सर, आपकी बात गलत और मेरी सही साबित नहीं हो सकती क्या? नहीं, आई एम सॉरी। गैंगस्टर दीना को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? दीना क्रिमिनल है, उसने बहुत से मासूम लोगों की जान ली। बचाव के लिए हमने गोली चलाई जिसमें वो मारा गया। That's it. Next. सर, जब आप एनकाउंटर करते हैं तब क्रिमिनल पुलिस का हाथ काटता है या फिर पैर? आप कहते हैं कि अपने बचाव के लिए आप उसको मार देते हैं और हाथ पर पट्टी बांधे हमें इंटरव्यू भी देते हैं। अगला एनकाउंटर करने के लिए आपको भी साथ ले चलूंगा, आप अपनी आंखों से देख लेना। सर, डिपार्टमेंट जिसे भी गोली मारने के लिए कहेगा आप मार देंगे क्या? अच्छा या बुरा ये सब नहीं देखते क्या आप? वो मेरा काम नहीं है, जस्ट ओबे द ऑर्डर। सर, आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंक्वायरी बैठी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनका जो काम है वो कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस इतना ही। सर, आपको मारे जाने का डर नहीं है? पुलिस में भर्ती होने से पहले अपनी जान की चिंता छोड़ दी थी, तभी ये वर्दी पहन पाया। आप चाहो तो किसी को भी मार दोगे क्या सर? इसका फैसला मैं और आप नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट और हालात ही फैसला करते हैं। सर, ये आपका 23वां एनकाउंटर था ना सर? सॉरी, इस सब का मैं हिसाब नहीं रखता। सर, वन मोर क्वेश्चन। नो नो थैंक्स, प्लीज। प्रख्यात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विक्रम कुमार के मार्गदर्शन पर पुलिस द्वारा मशहूर गुंडे दीना को गोली मार दी गई। कैद किए गए पुलिस ऑफिसर को खतरनाक हथियारों से हमला करके बचने की कोशिश करने वाले दीना को एसी विक्रम कुमार ने अपने बचाव के लिए गोली मार दी, जिससे दीना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस से आज हुई प्रेस मीटिंग में बताया गया कि दीना के द्वारा हमले किए गए पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ माँ, बोलिए, कैसी हैं आप? विक्रम, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? मैं अच्छा हूँ माँ। तेरे साथियों पर हमला हुआ, मैंने टीवी में न्यूज़ देखी, मैं डर गई। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं हो सकता। बेटा, ठीक से खा रहा है ना? ब्रेड खा रहा हूँ माँ। ब्रेड खा रहा है? वहाँ पर तू रूखा सूखा खाता है बेटा। 4-5 दिन छुट्टी लेकर आएगा तो मैं कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। तो कब आ रहा है? जल्दी आऊंगा माँ। ठीक है बेटा, ड्यूटी करना लेकिन अपने आप को संभालना, मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। माँ, कहा ना जल्दी गाँव आऊंगा। जल्दी आना। हाँ, मैं फोन रखती हूँ। मेरे बारे में बात ही नहीं की। अरे, मैं तो भूल ही गई, अगली बार बात कराऊंगी। हाँ? अगली बार बात नहीं की ना तो मैं आपका इनकाउंटर कर दूंगी। नाराज मत होना। हेलो, हेलो, ले जाइए ना। क्या है, मजाक कर रहा है क्या? तुझसे बात ना करके मेरे 2 बार फोन काटने पर ही तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो मेरा खून खौल रहा है।
हाथ में बंदूक लेकर जिसे चाहे उसे मार रहा है। दीना मेरा आदमी था, तुझे पता था ना? पता था तभी गोली मारी, उसी तरह तुझे भी गोली मारूंगा। तमिलनाडु में तू अकेला पुलिस वाला है, हाथ में पिस्तौल लेके हमें ही निशाना बना रहा है। अब बस रुक जा, अपनी कीमत बोल। बोलना तेरी मौत। दुनिया का छोटा शहर है चेन्नई, सिर्फ उसकी सीमा में तेरा पावर है, लेकिन इस धनवीर की पावर इंटरनेशनल है। अच्छा, तो फिर तू मुंबई एयरपोर्ट से बुरखा पहनकर क्यों भागा था? मैं विदेश में हूँ, इसलिए इंडिया नहीं आ सकता, इसलिए तू मेरे आदमियों को मार रहा है ना? आ रहा हूँ। बुलेट पर तेरा नाम लिखकर वेट करूंगा मैं। वैसे इंडिया कब आ रहा है तू? आ रहा हूँ, जल्दी ही आ रहा हूँ, तेरी मौत का जुलूस निकालने जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा हो ओम, काम बन जाए ओम, आज सभी माला माल हो जाए ओम, फिर जरूरत ना पड़े ओम। क्यों मिस्टर चोर? हाँ। आज कुछ बड़ा करने वाला हूँ ये बोलकर मुझे गणपति के मंदिर में लाकर खड़ा कर दिए। विजयनगर बोलो बोलो। क्रॉस करते ही बस स्टैंड के किनारे से पंडितों की गली में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस गणपति को चुरा कर वहाँ दे देंगे तो हमें 5 लाख का इनाम मिलेगा, उसमें से 3 लाख मेरे और 2 लाख मेरे मेरे, उसमें से बचे हुए पैसे इन लोगों में बांट देंगे। तो कुछ बचा ही नहीं। हेल्पर्स को सिर्फ खाना और दिहाड़ी मिलेगी, मंजूर है या नहीं है बोलो? ओके ओके। तो फिर मेरा ये आइडिया तुझे कैसा लगा? गलत नहीं। जब भी किसी नए मंदिर का उद्घाटन होता है और उसमें चोरी की गणपति बैठाई जाती है तो हम लोगों को चांस मिलता है, यही हमारे को देता हुए ना? सही बोला तू हेल्पर, 5 लाख के गणपति को उठा लिया। भाई वही तो बोल रहा हूं। क्या हुआ? जी बंद करके गणेश जी ने दिया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि। भाई ब्रेक क्यों लगाया? अरे वीरू, तू कुछ घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही है। घंटी बज रही है। अरे भाई मंत्र पढ़ने की आवाज भी आ रही है। अरे हाँ, कहाँ से आ रही है? 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 अरे घूम के देखो जरा। भाई इस बोरी के अंदर से आवाज आ रही है। मजदूरों, मैंने मूर्ति चोरी करने के लिए कहा था, तुमने घंटी भी चोरी कर ली। अरे जल्दी रख, बाहर निकाल, बाहर निकाल, जल्दी कर। जल्दी तो बजती है, चली जा रही है। खोलो खोलो जल्दी। अरे यार ये तो आवाज भी आ ही रही है। अरे क्या हुआ भाई? गणेश जी ने तो चड्डी पहनी हुई है। इसमें गलत क्या है? इस मॉडर्न जमाने में किसी ने घंटी को चड्डी पहना दी होगी। ओए, तू अंदर कैसे आ गया? मैं कहाँ आया, तुम ही तो उठा कर ले आए मुझे। हम उठा कर ले आए? हाँ यार, इसी की वजह से एक मंदिर में किस किया तो मैं फिसल गया, काम लेट हो गया, बिजली कट गई और काम भी बिगड़ गया। वही तो। तू यहाँ अंदर कैसे आ गया? पूजा की थाली में पैसे कम आए तो घर जाऊंगा तो बेबी मारेगी, इसलिए खाना खा करके भैया के गोद में सो गया। तुम लोग उठा कर ले आए। गणेश जी तेरे भैया है क्या? कार्तिक तेरा बड़ा भाई है और शिव जी तेरे पापा हैं, पार्वती तेरी मम्मी है। चल निकल, निकल यहां से। चुराने आए थे, भैया ने तुम्हें धोखा दे दिया। अरे चल भाग यहां से। अरे तेरे भगवान ने तुझे बचा लिया, हमें भी बचा लिया आज। अरे यार वीरू, इससे तुझे क्या सीखने को मिला? अचानक प्लान फेल हो गया, यही सीखने को मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाम और राशि बोलिए। नाम विक्रम कुमार। विक्रम कुमार नमस्या। मूल नक्षत्र मूला नक्षत्र धनुष राशि। धनुष राशि नाम दीजिए। परिवार समेत सुखी कुशल विजयी निरोग दीर्घ आयुषी रहे, देवी माता आशीर्वाद देती है। देवी माता के आशीर्वाद से पूरा परिवार सुखी रहे, हर कष्ट से दूर रहे। स्ट्रॉन्ग चाय और 2 बटर बिस्किट। स्ट्रॉन्ग बोला तो पानी की तरह बना दिया। ओए विक्रम, ओए सुन बे गधे। मैं शहर में नहीं था ये जानकर
मेरे भाई शेखर को चाय की दुकान पे मार दिया तूने। इतने बड़े हाथी को इतनी आसानी से मार दिया, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, सुन ले ये बात। कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे मैं, शेर को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, ऐसा है ये टोनी। आज के बाद से अपना दिन गिनना शुरू कर दे तू। समझता क्या आपने आपको? तेरी मौत नजदीक आ रही है, मौत। स्पीकर में सबको सुना के मजे ले रहा है। बस कर यार, तेरे मजाक के दिन खत्म। कोई बात नहीं अगर मेरा पहला प्लान फेल हो गया। हाँ। लेकिन उसके लिए सुबह से ही तू मुझे गली गली गाड़ी में क्यों घुमा रहा है बताना यार। छे, कैसी बात कर रहा है, बोरी भरकर पैसे चाहता है। हाँ। उसका की तरह बीवी चाहता है। हाँ। सुंदर सुंदर बच्चे चाहता है। हाँ। लाइफ में सेटल भी होना चाहता है। हाँ तो मुंह बंद रख अपना भाई, सुबह से तो मुंह बंद करके ही रखा हूं। चोरी छोड़कर अपना पेट्रोल क्यों जला रहा है तू? चल चल चल, मुझे अपना कस्टमर देखने जाना है। तू जितना समझ रहा है उतना आसान काम नहीं है। अरे कस्टमर आ गया, वो सामने देख, एक सेक्सी सी लड़की गले में कितनी मोटी चेन डाली हुई है, ध्यान से देख। मैं साइड से स्कूटी निकालता हूं, तू झट से चेन खींचना। क्या चेन खींचनी होगी? इतना डर क्यों रहा है, जो बोल रहा हूं वो करना। कैसे खींचूं? जैसे कुत्ता हड्डी पर झपटता है वैसे झपट ले। ठीक है, मैं साइड में लेता हूँ, तू झपट ले। हाथ इधर रख, इधर रख, हाथ मार ले। अरे आप पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है? ऐसा है क्या? शादी भी नहीं हुई, अब तुझसे कौन शादी करेगा? एक लड़की का रेप करने की कोशिश की है, सब लोग खड़े होकर देख रहे हो। नारियल के तेल, इस सड़े हुए चेहरे को देखकर किस आंख वाले इंसान की रेप करने की इच्छा होगी बे? जरा हटो यहाँ से, लड़की का ब्लाउज फटा है और सिर के बाल भी बिखरे हैं, लड़की के चेहरे से आंसू की नदी भी बह रही है, इसके अलावा और कोई सबूत चाहिए? सूखे हुए केले के चीज बात बात में तू इसे लड़की लड़की बोल रहा है, ये लड़की नहीं है, डायनासोर का अंडा है। अरे डायनासोर का अंडा हो या मुर्गी का अंडा हो, तुमने खाया है कि नहीं? ओए खाने की बात कर रहा है, सूंघा तक नहीं हूँ। लगता है वो बेकरी का ऑनर है, उससे ज्यादा बात मत कर, अपने आप बोलते बोलते चुप हो जाएगा यार। हो गया मार लिए, जाओ चलो जाओ जाओ जाओ, हो गया चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। अरे बाप रे, अच्छा हुआ पीछे की साइड से फटा, अगर आगे की साइड से फटता तो ये लोग हमारी बोटी बोटी काट डालते। देख भाई छोटे, तू मुझे छोड़कर चला जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तुमने मुझे टेलर दिखा दिया, मैंने देख लिया, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे एक नंबर का चोर बनकर दिखाऊंगा, तुम मेरी राह पर चलो। ये प्लान सक्सेस हो जाएगा। हाँ। छोटे, मैं तेरे पीछे घुमा करूंगा। प्यार करने वालों ने कमिश्नर के ऑफिस में शादी रचाई। कई लोगों का मानना है कि कमिश्नर ऑफिस को अगर मैरिज हॉल में बदल दिया जाए तो पुलिस वालों का व्यवहार भी प्रेम में बदल जाएगा। राजेश कॉफी, चाय कॉफी नहीं चाहिए, सब बंद है। जन्म लेने के बाद दूध और मरने के बाद भी दूध, बीच की इस लाइफ में कॉफी टी तो चलेगी ना? यार मैं दोनों मिक्स करके भी पी लूंगा, लेकिन ऐसी बात बोल के मेरा दिमाग मत खा यार। एक्सक्यूज मी, यस सर, कैन आई सी एसी सर प्लीज? देख मैं इसका कैसे मजा लेता हूँ। किस लिए एसी सर से मिलना है? मुझे चार्ज लेना है सर। ओ तो तुम ही इंस्पेक्टर प्रिया हो? यस सर। इससे पहले कहाँ थी पोस्टिंग? लॉ एंड ऑर्डर कांची। ये सब पहले से पता है, फिर से एक बार। राजेश। यस सर। अंदर भेजो उन्हें। जाइए जाइए। हीरोइन जैसी लड़की पुलिस में भर्ती हो जाएगी तो हम जैसे लोग काम कैसे कर पाएंगे? क्या नाम है? प्रिया, प्रियदर्शनी। पिता का नाम क्या? संदीप कुमार, एक्स मिलिट्री ऑफिसर सर। आर यू मैरिड? सॉरी। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर। बॉयफ्रेंड? नो नो सर। तुमने एनकाउंटर टीम को क्यों चुना? इट्स माय एम्बिशन सर। एम्बिशन, AMB, ITION। आप ही की तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना है सर। हाँ, लॉकअप में किसी को मारा है? बहुत बार मारा है। मारने के बाद कभी फील किया है कि तुमने कुछ गलत किया है? फील किया तो डिपार्टमेंट में नहीं रह सकते सर। आई नो इट। बदमाशों को ढूंढने का एक्सपीरियंस तो है ना? यस सर। When we get information, kill criminals. When we don't get information, we will kill the time. My mind. मुर्गी का गला काटकर बहता हुआ खून और उसे तड़प कर मरते हुए देखा है? Yes sir. क्रिमिनल्स को देखकर हाथ ऊपर उठाने का रूल्स फॉलो किया तो वही हमें मार देंगे सर। ऑपरेशन में क्रिमिनल्स की आंखों को निशाना बनाकर उनके बीचों बीच फट से गोली मार देनी चाहिए। गुड। सर, टी नगर में एक बिजनेसमैन के बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया गया है। 2 करोड़ की मांग कर रहे हैं वो लोग।
विक्रम सर, उस बच्चे के पेरेंट्स को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इस केस को तुम हैंडल करो। ओके सर। मे बी दे आर मुंबई बेस्ड क्रिमिनल्स, कैच देम एंड डिस्पोज देम। आई डू इट। दिस इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। ऑर्डर सर। एक्शन इमीडिएटली। ठीक है सर। सर, कल सुबह मेरा बच्चा स्कूल गया था और रात को लौट कर वापस नहीं आया। रात 8 बजे किसी ने फोन करके बोला कि तुम्हारे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। उसमें से किसी ने हिंदी में बात की और फिर एक ने तमिल में बात की और बोला कि 2 करोड़ दोगे तो ही बच्चे को भेजूंगा, नहीं तो मार दूंगा। अब तक कितनी बार फोन किया उन्होंने? 7-8 बार उसने फोन किया है। पुलिस को बताया तो बच्चे को जान से मार देंगे कह रहे थे। चुप हो जाओ। मेरा इकलौता बच्चा है सर। सर कुछ भी करके आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। चिंता मत कीजिए। हेलो। 2 घंटे तक मुझ तक पैसा नहीं पहुंचा। नहीं, नहीं। तो तेरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। और मुझे बोलोगे वो मैं करूंगी। तेरा बच्चा मर गया समझ लेना, ठीक है? हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। मेरा बेटा। हेलो हेलो, क्या हुआ? बीवी से पूछ ले। अगर 2 घंटे में उसको पैसे नहीं मिले तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगा, ऐसा कह रहा था। किडनैपर्स ने अब तक 8 बार फोन किया है, उसमें से 7 कॉल हाईवे की तरफ से आए हैं एंड 1 फोन कॉल पुन्ना मल्ली की तरफ से किसी लैंडमार्क से आया था। दे आर शिफ्टिंग प्लेसेस। मुझे लगा था ये सब एक साथ ही मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे को लेकर ये लोग तो इधर उधर घूम रहे हैं। ये सब हमें डाइवर्ट करने की टेक्निक है। बच्चे को सिटी में रखकर इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकते, यही कंसंट्रेट करना होगा। श्योर सर। उनके पास जो कॉल्स आई थी उनकी डिटेल निकालो, किस किस टावर से उस फोन की कनेक्टिविटी हुई थी उसकी भी डिटेल निकालो। GPS से ट्रेस करोगे तो सिम कार्ड की लोकेशन तुम्हें पता चल जाएगी। चलो, पहले फ्लोर पे कोई नहीं है सर। सेकेंड फ्लोर पे नहीं सर, वो भी बिल्कुल खाली है। फ्लोर पर भी कोई नहीं है सर। रुको, रुको। वो फ्लोर में कुछ हलचल दिख रही है सर। सर उधर बच्चे के साथ 5-6 लोग और हैं। साहब, मैं प्रदीप चौहान बोल रहा हूँ। कल मुंबई आ जाऊंगा 2 करोड़ रुपए के साथ। बात रो रही है। रो मत। 2 करोड़ रुपए मिलते ही तुझे छोड़ दूंगा। बच्चे को ले जा बोला, तू पुलिस लेकर आया? प्रदीप, तू बचकर नहीं जा सकता, सरेंडर कर। क्या सरेंडर? और मैं? पुलिस वालों से ज्यादा हम गुंडों का नेटवर्क है। हम चाहे तो तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ खत्म कर देंगे। अरे भाई, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लेकर आया हूँ, मेरे बेटे को मुझे दे दो। अबे बेवकूफ, पुलिस लेकर आया है, उन्हें रिवॉर्ड या अवार्ड मिल जाएगा, तुझे बेटा नहीं मिलेगा। पुलिस पे भरोसा करता है? ए पुलिस, 5वीं मंजिल से बच्चा गिर गया गलती से, लिखकर FIR क्लोज कर दो। चलो चलो, निकलो यहाँ से सब। बच्चे को कुछ मत करना। पुलिस को लेकर आइए। ले बच्चा पकड़, चाहिए ना तेरे को बच्चा? ले पकड़।
क्या बोला था तुम? बोलना, पुलिस के नेटवर्क से तुम गुंडों का नेटवर्क बड़ा होता है। शराबी कहीं। ए सिटी बाबू, शहर में जो भी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं उन लोगों ने शादी नहीं किया क्या, या बच्चे पैदा नहीं किए हैं? बहुत हुआ वेट, काला हो या गोरा, लंबा हो या छोटा, किसी के नाम का मंगलसूत्र पहन लूंगी, दो वक्त का खाना खाकर ऐसे ही कोने में पड़ी रहूंगी, तुम बस ऐसे ही बैठ के सब्जी काटती रहो, मेरे लिए कुछ मत करना। विक्रम, क्या हुआ माँ? बेटा खाना लग गया है, वो क्या बोल रही थी सुना तूने? मैं नहीं चाहता कोई मेरा वेट करे। सरस से पूछ लो किसी को पसंद करती है क्या, मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। होटल में खाना खाकर आपका दिमाग खराब हो गया है सोच रही थी, लेकिन अब तो दिल भी खराब हो गया है, ऊपर से मेरी शादी भी करवा देंगे। अरे बेटा क्यों इस बेचारी को छेड़ रहा है, वो तो सिर्फ तुझसे प्यार करती है, पता है ना? जरा उस बर्तन पर तो देख, तेरा नाम और अपना नाम लिखवा रखा है, और सिर्फ बर्तनों में नहीं अपने कमरे में। अरे ध्यान से बेटा, इसने तो सब जगहों पर तेरा नाम लिखा है, बस सिर्फ सिंदूर भरने की देरी है। माँ बहुत तीखी है। तीखा है? अगर ये तीखा खाएंगे तो पावरफुल मस्त बन जाएंगे, इसलिए मैंने आधा किलो मिर्च पीस कर चिकन में मिलाकर लाए हूँ आपके लिए। अगर मैं चिकन बनाती हूँ ना तो आसपास के सब गांव वाले मेरे हाथ का खाना खाने आ जाते हैं। तगड़े वाले ब्रुसली मुर्गी देखा है क्या? भगवान, आप खाओ ना जी, ये लीजिए ना, ले पीस, पहले ये पीस खाइए आप। अरे बहन, तुझे क्या हुआ है शिवा? अरे मेरे तगड़े वाले ब्रुसली मुर्गे को कहीं देखा है क्या? देखा। अरे कल पड़ोस के गांव में मुर्गी की लड़ाई है, मैंने अपने ब्रुसली को सुबह घूमने के लिए छोड़ा था, पता नहीं कहाँ गया। तेरा ब्रुसली खो गया तो जाके कुड़ी के पास देखना, वो दाना चुग रहा होगा, जा उधर जाके देख घर में क्या देख रहा है। क्या कहा? मेरा ब्रुसली कूड़ेदान में? ऐसा मत बोल सरस, मेरा ब्रुसली ऐसा नहीं है, 10 मेडल जीते हैं, पता है ना आपको, ब्रुसली मेरी जान है, मेरी इज्जत है। जाके कूड़े में देख। बार बार कूड़ा मत बोल, मेरा ब्रुसली हीरो है। ये ना जी, क्यों सरस, तू मार्केट भी नहीं गई और हमारे घर पे कोई मुर्गा नहीं है, तो फिर तूने चिकन कैसे बनाया? घर में मुर्गा नहीं है तो क्या गांव में भी मुर्गा नहीं होगा? हे भगवान, तू चोरी का मुर्गा मेरे बेटे को खिला रही है? अरे फ्यूचर सासू माँ, ये स्पेशल मुर्गा है, लड़ाई करने वाला जो भी खाता है इसे उसकी शादी करने की इच्छा जग जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा भी नहीं होता, हमेशा दोनों में प्यार रहेगा ऐसे। गांव के वैद ने मुझे बताया था, मुझे ना कहीं भी लड़ाई करने वाला मुर्गा नहीं मिला तो क्या करती, बाजू के शिवम का मुर्गा मिला उसे ही ले आई। भगवान, शिवम का मुर्गा कपड़े में लपेट के ले आई।
हे भगवान, मेरी ब्रुसली को मारकर तूने उसकी ग्रेवी बना डाली। मुझे मेरा ब्रुसली चाहिए, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मेरा ब्रुसली जिंदा चाहिए अभी। शिवम, तुझे क्या चाहिए? मुर्गा ही चाहिए ना? हाँ। चला जा। हेलो। ओए, तेरा यमराज टोनी बोल रहा हूँ। याद रखना, अगर पुलिस की ड्रेस दिखी तो तू अपनी माँ को जिंदा नहीं दिखेगा। शहर छोड़कर भाग गया ना तू? मैं डरपोक, अगर तू अब तक यहाँ होता ना तो तुझे खत्म कर चुका होता। वापस आ जा शहर में। जब भी वापस आएगा तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। एक महीने के अंदर अगर नहीं मारा तो एक बाप का औलाद नहीं मैं। टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तेरी मौत की तारीख नजदीक आ रही है। याद रखना, टोनी यमराज बोल रहा हूँ। सर, मैं रमेश बोल रहा हूँ। सर बोलो। जेल से फरार हो गया वो। क्या कहा, प्रदीप भाग गया? तुम इमीडिएटली सभी चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। सर उसे किसी भी तरह भागने मत देना। ओके सर। आइए पर सभी गाड़ियां चेक कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। क्या हुआ विक्रम कुमार? हाँ? तुम्हारी हिरासत से प्रदीप भाग निकला क्या? हाँ हाँ। इट्स अ रियल और फेक न्यूज। वो मुंबई माफिया लीडर छोटे कर आए। ऐसा क्या? पिछले साल ही उसने इन्फॉर्म करके 5 IAS ऑफिसर और 7 IPS ऑफिसर्स को मार चुका है। सच अ डेंजरस। जब फोन करता है तो वो वहाँ से फरार हो जाता है। पता नहीं कैसे बच्चे को पकड़ा और तेरे हाथ आ गया। बैड लक तूने उसे जाने दिया। लगता है मैं तुझसे मिल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा क्यों, क्यों नहीं मिलेगा? इतने बड़े दुश्मन को जाने दिया विक्रम, वो मेरे आने तक तुझे मार देगा। मैं फ्लाइट से आने के बाद ही मार पाऊंगा। वो भिखारी की तरह आकर तुझे बीच सड़क पे मार देगा। अबे तूने अपनी मौत खुद ही बुला ली है। तू अपनी माँ को आज से ही रोने को बोल। मैं मरा तो मेरे लिए मेरी माँ रोएगी, क्या समझा? तू तो लावारिस लाश की तरह सड़क पे पड़ा रहेगा, कुत्ता भी नहीं सूंघेगा तुझे। आ आ इंडिया आकर देखा। श्री रेणुका देवी को वापस मिल गई। एयरपोर्ट रोड पर श्रीमती रेणुका देवी का शानदार जश्न मनाया जा रहा है। कई लोगों ने और पार्टी के सभी सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रेणुका देवी के विरोधियों ने कुछ इस तरह से गुस्सा दिखाया। विरोधी पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनके पोस्टर भी फाड़ दिए। इस्तेमाल कर रही है, फाड़ डालो, पोस्टर फाड़ डालो। रेणुका देवी, 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 हाय 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 हाय। पार्टी जब से शुरू हुई है तब से मैं हूँ। पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया है मैंने। पिछले 10 सालों से इस कुर्सी के लिए मैंने लोगों की सेवा की है। मुझे यह सीट ना देकर इस पार्टी ने कल इस रेणुका देवी को सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ है, ये धोखा है। मैं लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। उसे इस पद से हटाए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। कौन है ये? हमारी पार्टी के MLA है मैडम। रेणुका देवी, हाय हाय। रेणुका देवी, हाय हाय। मुझे इससे मिलना है।
की बलि देकर मैं इस पद पर आई हूँ। अगर मैं मंत्री बनी तो तुझे क्यों जलन हो रही है कमीने? पोस्टर फाड़ेगा मेरा, बैनर को जलाएगा, मुझे चप्पलों से मारेगा। पार्टी जब से शुरू हुई है तब से हूँ मैं, बस ऐसे गुस्से में बोल दिया मैंने। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ करने की बात मैं तुझे छोड़ दूँ? मेहनत करके बहुत थक गया होगा ना, आराम कर ले। पार्टी के ऑफिस में तेरा फोटो लगवा दूंगा, वो भी मेरे पैसों से। तेरी बीवी को भी पेंशन जरूर मिलेगी। मुझे छोड़ दो मैडम। वो क्या है, अब इतना कुछ बोलेगा तो मरना तो पड़ेगा ही, तो मर जा। नहीं नहीं, मैं आज के बाद कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। चल जा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। चल उतार। नहीं मैडम। तो मुझे पद से उतारेगा कहा था ना, तो तुझे खड्डे में उतरना पड़ेगा। तो खुद जाएगा या तेरी बीवी बच्चों को साथ भेजू? नहीं मैडम, मेरे परिवार को कुछ मत करना। लेकर आओ इसके परिवार को। नहीं मैडम, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे माफ कर दो। मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे मत मारो। तेरे परिवार को बचाना है तो तू जाके मार। मैडम मुझे छोड़, मट्टी डालो इस पर। अब रात में भी इस लेंस में झांक कर काम करेगा क्या? छेद कहाँ है देखने के बाद ही तो चाबी घुसा पाएंगे ना। हे भगवान, इस बार सारा काम अच्छे से हो जाए, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। अपने आप खुल रहा है, ऑटोमेटिक डोर है क्या? अब तो ये दरवाजा अंदर जाकर सब लूट के भाग चलते हैं। ये तो दरवाजा ही 10-20 लाख रुपए का लगता है। बेटा हम ना पैदल यहाँ से तिरुपति तक जा रहे हैं, उसके लिए डोनेशन लेने आए हैं ना। हाँ बेटा। झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारा थोपड़ा देखकर ही मालूम पड़ता है कि तुम दोनों एक नंबर के चोर हो। नहीं 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 नहीं, ज़बान फिसल गई थी। लेविच, आप डरिए मत, मेरे दादाजी ने पूरे गाँव को लूट कर बहुत सारे पैसे और गहने जमा करके रखे हैं। आइए आइए दिखाती हूँ। Come on, boys। कितनी अच्छी बच्ची है। बेटी बेटी मिल गई, मिल गई, मिल गई। हमारी कंपनी के रूल्स क्या है पता है? हमारा सपोर्ट करने वाले को चोरी किए वो कुल पैसों का 30% देते हैं। हाँ बेटी। तुम अपने घर में खुद हमारा सपोर्ट कर रही हो, इसलिए चोरी के पैसे में से 50% तुम्हें मिलेगा। 50-50 डन। ओके डन। अरे 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 अरे, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे 50 और हम चारों को 50 था ना, हमारा हिस्सा तू उस बच्ची को दे देगा तो हम लोग क्या हाथ चाटेंगे? मैंने 50-50 बिस्किट कहा है। ऐसी बात है, बच्चों को पैसा नहीं देना चाहिए? तो फिर हम बच्ची को भी धोखा देंगे? बच्चे को दे सकते हैं। ऐसी बात है। हाँ जी। तो फिर हम बच्ची को धोखा देंगे क्या आज? ये क्या भाई, ये तो दीवार में घुस गई। बच्ची बिटिया, हम तो इसे नादान बच्ची समझ लेते हैं, ये तो हमें डरा रही है। चुप करो, अलमारी अंदर है, चाबी दादाजी के पास है, यहीं रुको मैं लेकर आती हूँ। डोंट मूव, ओके? बच्ची बड़ी अच्छी है बोला था, ये तो बड़ी खतरनाक निकाल रही है। वो तुम्हारे दादा की चाबी कहाँ है? मेरे दादाजी बहुत चालाक हैं। मेरे दादाजी के उंगली के निशान से ही ये अलमारी खुलती है। भाई, अरे भाई, चल हम लोग क्या करेंगे? चल चल हम यहाँ। तुम लोगों को परेशानी ना हो इसलिए उनका हाथ काट कर मैं अपने साथ लाई हूँ। या Ha 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 ha
शहर में अच्छे बदलाव के लिए सभी बड़े अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। चेन्नई शहर के पुलिस कमिश्नर श्री वासुदेव को चेन्नई पुलिस ट्रेनिंग में पोस्टिंग कर दी गई है। इसके पहले नार्को डिपार्टमेंट में रहे श्री देवराज जी को अब चेन्नई शहर में ही पोस्टिंग दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। चेन्नई शहर के कमिश्नर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के DIG बना दिए गए हैं। इस तरह का बदलाव सरकार इसलिए कर रही है ताकि शहर में अमन चैन बनाया जा सके और अच्छी कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे ड्यूटी के लिए अर्जेंट चेन्नई जाना होगा। ठीक है जा, तेरा तो हमेशा का है, घर में रहने को तुझे टाइम नहीं है। तू मुझे मंदिर में लेकर जाएगा कहा था ना? जब अगली बार आऊंगा ना तो पक्का 10 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ठीक है ना माँ? मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, जो भी करना हो सब करेंगे, ठीक है माँ? प्लीज माँ, प्लीज माँ। अच्छा ठीक है, ओके। हेलो विक्रम सर, क्या हुआ? मेरे ट्रांसफर की बात पता चल गई क्या? ये सब एक पॉलिटिकल खेल है, राजनेता इसके वजह होते हैं। सरकार बदलती है तो ये सब तो होता ही है। अपने भरोसे के आदमी को अपने आसपास रखना चाहते हैं, इसी में उनकी सेफ्टी भी है। हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बुद्धिमान होते हैं। आई हैव बीन किक्ड ऑफ द लैडर प्रमोशन DIG पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयम्बटूर। आई एम वेरी हैप्पी विक्रम, ऑल इन द गेम। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो तो इट इज बोरिंग, जो हम नहीं सोचते हैं वैसा भी होना चाहिए, दैट इज लाइफ। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू विक्रम सर। आओ बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वी आर प्राउड टू वर्क विथ यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू विक्रम सर। तुम्हारे पास जो हिट लिस्ट है उसमें 2 लोगों को उड़ा दो। नए कमिश्नर मिस्टर देवराज ने की हलचल, चेन्नई में खून कर रहे गुंडों को गोली मार दी गई। ऐसे अखबारों में TV में खबर आएगी तभी तो मजा है ना, तभी तो मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उसका मतलब होगा। डू इट। ऑर्डर इशू करवाइए सर। ओ ऑर्डर इशू करेंगे तो ही गोली मारोगे? मैं सब जानता हूँ, तुमने गोली मारी फोन कर दो, मिनिस्टर भी मेरे कहने पर साइन कर देते हैं। यू जस्ट ओबे माई ऑर्डर्स। ओके सर। रुको, कम कीप इट। क्या मैं? या सर, सेकंड फ्लोर डोर नंबर 5। ऐसा कोई नहीं रहता यहाँ। मैं सिटी बैंक से आई हूँ। ऐसा कोई नहीं रहता, कहा ना एम्बुलेंस को बुलाते हैं सर, अस्पताल लेकर चलते हैं सर। शूट सर, प्लीज सर शूट हिम सर, बचा लेते हैं ना। मोबाइल ऑर्डर। जाओ निकलो। तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है?
आज मुझे नींद भी नहीं आएगी सर। आखिरी गोली जब मारी तब उसका वो तड़पना मैं नहीं देख सकी सर। ये लो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये गोली मार दी बचा सकते थे। ओके, बहुत बड़े क्रिमिनल थे वो। चलती बस में एक लड़की से बेरहमी से रेप किया था उन्होंने। हॉस्पिटल ले जाकर उन्हें बचाना चाहती थी। एक लड़की होने के नाते उसे गोली मारने पर गर्व होना चाहिए। इस तरह के अपराधियों को आवारा कुत्तों की तरह बीच सड़क पे गोली मार देनी चाहिए। कोर्ट में अगर सौंपे तो किसी भी तरह बचकर बाहर आ जाते हैं और इसी तरह से बार बार अपराध करेंगे, इसलिए मार देना ही ठीक है। क्या चाहिए सर? ड्रंकेड ड्राइव चेकिंग है, थोड़ा फूकिए सर। चर्बी चढ़ी है तुझे, मैं कौन हूँ पता है? जरा डिक्की खोलेंगे। पहले तो कमिश्नर को फोन लगा, मुन्ना नाम बोल, मेरे बारे में डिटेल वही बता देगा। सर कमिश्नर मुझे जब चाहे फोन कर सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से उन्हें फोन नहीं कर सकता, मुझे ड्यूटी करनी है, थोड़ा फूक मार दीजिए ना। डिक्की चेक करो जाओ। फूकने को कहा था ना, अब चलो। सर हाथ नहीं उठाना, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बोल रहा हूँ। पुलिस से पंगा लेता है सर। चल बैक। सर आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। चल बे। अरे चलना। गाड़ी को किनारे लगा दो, लॉक करके चाबी ले आओ। यस हाँ। सोने भी नहीं देते, किसका फोन है? हेलो साहब, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ, एनकाउंटर ऑफिसर विक्रम कुमार। मुझे चेक पोस्ट के पास पकड़ कर अपनी गाड़ी में कहीं लेकर जा रहा है। सर उसने मेरे मुंह पर थूक कर बेइज्जती की है, आत्महत्या कर लूं जाकर ऐसा लग रहा है सर। ये विक्रम मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है सर, आप उससे बात कीजिए ना सर। सर सर पास में ही सर, फोन दो सर। फोन दे उसको। स्पीकर ऑन करता हूँ सर। फोन दे हाँ। उससे बात कर लीजिए सर। देता हूँ सर। जल्दी बात करा। विक्रम कुमार मुन्ना को छोड़ दो सर, ये मेरी लिस्ट में बहुत दिन से था सर। अपने डिपार्टमेंट के पुलिस के मुंह पर थूक कर गया था सर, ये इसे छोड़ना नहीं चाहिए। पागलो जैसी बात मत करो, पिछले चुनाव में उसकी बहुत जरूरत पड़ी थी। अभी किसी पार्टी में वो जरूरी पद पर है, अगर तुमने कुछ किया तो मेरा बुरा हो जाएगा। आपने ही तो दो लोगों को मारने के लिए कहा था। तुम्हारी वजह से सबको परेशानी है। मुझसे बात कर रहे हो तुम? तो मुन्ना को छोड़कर आओ, मैं सुबह बताता हूँ कि किसे गोली मारनी है। ओके सर। सर बोलो मुन्ना। मैंने बोला आपको जानता हूँ, फिर भी हाथ उठा दिया। विक्रम कुमार, मुन्ना को तुमने ही मारा, ये मैं जानता हूं। सर मैं तो मेरे इतना कहने के बाद भी तुमने अपना गेम खेल ही लिया। जब मैंने वर्दी पहनी थी तो तुम्हें कपड़े भी पहनने नहीं आते होंगे। डोंट ट्राई सर, वो बहुत बड़ा अपराधी। तुम्हारे स्टेज से ही होकर मैं इस कुर्सी पर आया हूँ, तुम पर कितने केस हैं ये मैं जानता हूँ। तुम अपने दिमाग को क्रिमिनल की तरह इस्तेमाल करते हो, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ ये मत भूलना। मैंने अगर डील करना शुरू किया तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। आउट सर। हाँ।
मुन्ना कोई शरीफ था क्या? उसे तो पहले ही गोली मार देनी चाहिए थी, अपराधी ही तो था ना। ये क्या जानता है उसके बारे में? मन चाहे उसे गोली मारने को कहते हैं और जो अपराधी है उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। दस खून करने वाला खून ही था वो। ऐसे फोन कर रहा था जैसे अपने ससुर को फोन कर रहा हो और ये ऑर्डर देते हैं कि उसे छोड़कर वापस आ जाओ। उसकी बात मानकर सैल्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं हूं मैं। मेरे जैसा टक्कर देने वाला पुलिस ऑफिसर आज तक नहीं देखा होगा उसने। हेलो, अबे ओ यमराज टोनी बोल रहा हूं, मेरे हाथों भरेगा। चुप रह, फोन रख, बात करता है। देखा ना, पता नहीं कौन है ये। हिम्मत देखो इसकी, मुझे फोन करता है जब मन करता है, दारू पीता है, किसी भी टाइम पर मुझे फोन करके कहता है मार डालूंगा, काट डालूंगा, गालियां देता है, धमकियां देता है, टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर कोई हायर ऑफिसर होता है क्या? हाँ, ये सब बातें हम क्यों फेस करते हैं? क्रिमिनल्स कौन है, उनसे हमारी क्या दुश्मनी है, हम उनका एनकाउंटर क्यों करते हैं? ऑर्डर, जस्ट ओबी द ऑर्डर। रात में फोन करके अपराधी हमें धमकाते हैं, दिन में नोटिस देकर ह्यूमन राइट्स वाले हमें धमकाते हैं, सड़क पर चलने वाली जनता वर्दी उतरवा देगी कहकर हमें धमकाती है। और मामला यहीं पर नहीं रुकता, तुम्हारे नाम पर कितने एलिगेशन है वो सब निकाल कर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। हमसे काम कराने वाले अधिकारी हमें धमकाते हैं, उन सब की वजह सिस्टम। यस, अंग्रेजी के काले काले अक्षरों में लिखी हुई कानून की किताबों को बार बार साफ करके 67 साल से चले आ रहे कानून के तहत लोग मनमानी कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ही हम लोग पुलिस वाले ऑफिसर्स हैं, एक्चुअली हम लोग गुंडे हैं, गुंडे। साफ साफ शब्दों में बोलूं तो प्रोस्टिट्यूट की तरह है। कोई भी बू उठाकर आ जाएगा, उसके बाद फिर कोई अगला आएगा, उनके आने से पहले हमें पाउडर लगाकर रेडी होकर बैठना होगा। सिस्टम, इसीलिए पुलिस वालों की आंखों के सामने कुछ भी हो जाए वो तमाशा देखता रहता है, हेल्पलेस, जैसे कोई लूला लंगड़ा। माँ, 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 विक्रम, माँ, तू आ गया? तुम्हें क्या हुआ माँ? मुझे क्या हुआ है? सरस ने कहा कि तुमसे बोला भी नहीं जा रहा है, तुरंत घर चले आओ माँ। हे भगवान, मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर के पास गई थी या नहीं? मुझे किस लिए डॉक्टर? बस थोड़ा सा सरदर्द हो रहा था और थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी, इसीलिए मैंने उससे कहा मुझे नींबू पानी बनाकर दे, इतने में तुझे फोन करके सारी बातें बता दी। तुम्हें तो ना, क्यों अचानक आने के लिए फोन किया तुमने? अकल नहीं है क्या? कल मैं कितनी टेंशन में था पता है? ऐसे टाइम पे फोन करके बेकार में परेशान कर दिया तुमने, माँ की बातों का मजाक बनाया ना तो। जाने देना। विक्रम, क्यों रे, मेरी तबीयत खराब है इसलिए तो जल्दी आ गया, वरना तो आता ही नहीं ना। माँ से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है ना तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, तूने सरस को समझा ही नहीं, वो बहुत अच्छी है। देख बेटा, तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, इसीलिए तुझे फोन करके बुलाया, ठीक है? आजा अंदर आजा, चल देख तो सही क्या किया है उसने। आजा देखो बेटा। अरे बेटा, तेरे रूम को उसने किस तरह से सजाया है। सारे फिल्म के हीरोज के पोस्टर लेकर आई और उन पर तेरा चेहरा लगा के रखा है, देखना। हाँ हाँ, क्या कर रही हो तुम? चलो केक काट। मैं यहाँ बिजी हूँ कुकिंग में, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे ना अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हारे बर्थडे पे आए सभी लोगों को खाना खिलाकर चौंका देना है। वो खाना खाने के बाद पूछेंगे किसने बनाया खाना, और आप कहेंगे कि मेरी होने वाली पत्नी ने बनाया है। ये बात है, ठीक है ठीक है, तुम यही खाना बनाती रहो। हैप्पी बर्थडे टू विक्रम माजी। माँ रुको रुको, उसके पास मत जाना, रुको। विक्रम, पीछे हटो माँ। नथिंग, कुछ नहीं है माँ, आइए। हेलो, हैप्पी बर्थडे विक्रम। हाँ बोलो। बुके मिल गया ना? इसे अपनी गर्दन पे लटका लेता, पर पूरा बगीचा क्यों भेज दिया? और हाँ, तुम खुद क्यों नहीं आए? मुझे ऊपर जाने की इतनी जल्दी नहीं है विक्रम। ए, तू ऊपर नहीं जाएगा,
जमीन के अंदर जाएगा। कंपनी देने तुम भी आओगे ना मेरे साथ? पहले तुझे भेजूंगा, तू मरेगा तो तेरा अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। अगर तू पैदा नहीं हुआ होता ना तो मेरी टक्कर का दुश्मन नहीं, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई होती। गिफ्ट में एक डायमंड नेकलेस भेजता हूँ, बेल्जियम, बेल्जियम में। तुम्हारी टीम में क्यूट लेडी इंस्पेक्टर आई है ना, उन्हें दे देना, खुश कर देगी। हाँ समझे। तेरे पास तो 10 लोग हैं ना, उन्हें दे देना। रख फोन, रख। बैंक, हम जिस बैंक को लूटने के लिए ढूंढ रहे थे वो यही है। पैसे तो होंगे ना बैंक में? तो होंगे ही ना भाई, गहने होंगे। अरे तो क्या करें ना, कपूर मिलेगी नंदू के बच्चे, आज हम पूरा बैंक साफ कर देंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। आज हम एक मेगा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सुपर भाई, काम होने के बाद केस करना। क्यों छोटे, बैंक में नर्स क्यों घूम रही है? गधे कहीं के, सर पर बाल है बस अकल नाम की चीज नहीं है। ये 24 घंटे खुले रहने वाला बैंक है। नर्स अपनी दिन की कमाई को रात को जमा करके वापस लौटती है। मतलब हम उसके जमा किए हुए पैसों को भी लूटने वाले हैं? उस लड़की के आने वाली दिशा को फॉलो करेंगे तो कैश काउंटर आ जाएगा। तो चलो अब चलते हैं। नर्स गई थी, अब डॉक्टर आ रहे हैं। ये बैंक नहीं है भाई, अस्पताल है। एक दूंगा घुमा कर, तू ही सब फैसला कर लेगा, उन्हें भी तो बोलने दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते सर, आप डॉक्टर हैं? तो ये अस्पताल है या बैंक है? बैंक है। कहाँ था ना? सक्सेस बैंक। सर बाहर तो बैंक का बोर्ड लगा हुआ है। ब्लड बैंक में ब्लड ऑफ करके सिर्फ बैंक के लग जाए। तो ब्लड क्यों ऑफ किया हुआ है? वो जानकर आप क्या करेंगे? आप किस काम से आए वो बताइए। सर एक स्मॉल सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम इसे ओरिजिनल बैंक समझकर 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने आए थे, वो अब तो मिस हो गया सर। सब छोड़ो, अब हम लोग दूसरे बैंक में जा रहे हैं डिपॉजिट करने। आप लोग तो खुद ही 2-2 लाख के बराबर हो। क्या रे, तुमने अभी तक 10-15 जूनियर तो निकाल ही दिए होंगे। कौन बोला? मैंने तो एक भी जूनियर नहीं किया, ऐसे ही जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। सुन तू परेशान मत हो, तुझसे इसका कोई मतलब नहीं होता। एक महीने बाद तू अपनी उम्र के मुताबिक एक साथ 9-10 जूनियर निकाल सकता है। अरे किडनी निकाल लेंगे ये पता नहीं था। जला डर है, चिल्ला क्यों रहा है? हम सबकी किडनी निकाली है ना, तो तू अकेला क्यों चिल्ला रहा है? तुम लोगों की तो सिर्फ किडनी ही निकाली है, मेरी तो किडनी के साथ जान भी निकाल ली। जान भी निकाल ली क्या? हाँ भाई। क्या बात कर रहा है? मेरी किडनी बाहर लटक रही है, किस कमीने ने कहा था उससे? तेरी किडनी बाहर है मतलब? हे भगवान, जब ये डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कर रहे थे हम कैसे शांत बैठकर उन्हें कोऑपरेट कर रहे थे, तो तू सीधे लेटिंग पे जा, उछल कूद क्यों कर रहा था? बिजली बंद हो जाने की वजह से मैं एक जगह चुपचाप आकर लेट गया था, उसी समय के गैप में काट डाला। साइलेंस प्लीज। तुम लोगों को अपने शरीर की चिंता नहीं है क्या? ज्यादा बात करोगे तो टाके खुल जाएंगे। बाय द वे डोनर्स, तुम सब लोग बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि मैं तुम पांचों की किडनी नहीं उनकी नहीं, तुम चारों की किडनी मिलाकर अब तक 2000 किडनी निकाल चुका हूँ मैं। ये कितनी बड़ी बात है पता है? तुम लोगों को डिस्को नाइट फ्री। ओ झोला छाप डॉक्टर, मेरे को एक बात तो बता, बचपन से जिस किडनी को संभाल कर रखा था उसे निकाल लिए हो, ये सारी किडनी आखिर जाती कहाँ है? तुम लोगों की किडनी सिडनी जाने वाली है। देखो कितने किस्मत वाले हो, तुम लोग फॉरेन नहीं गए कि तुम्हारी किडनी जा रही है। हमारी किडनी सिडनी जाएगी वो ठीक है, उसे तो कुत्ते को। अब मैं अपनी पत्नी को जाकर क्या जवाब दूंगा? अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? माँ जी आपका डर भी ठीक ही है, तुम्हारा बेटा लोगों को मारता है, कानून के मुताबिक वो कर्म है लेकिन धर्म के अनुसार वो पाप, ब्रह्म हत्या का दोष तो जरूर लगेगा, उसका प्रायश्चित तो जरूर करना होगा। प्रातः काल आप दोष निवारण की पूजा करवा कर गरीबों को वस्त्र दान और 3 लोगों को अन्न दान शिव के मंदिर में करवाओगी तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपकी भक्ति और रिश्ता ही आपके पुत्र की रक्षा करेगा। ओम नमः शिवाय।
पूजा अब संपन्न हुई। पूजा की सभी सामग्री कुंड में ले जाकर माता और पुत्र तीन बार डुबकी लगाकर मंदिर की गुंबद की ओर देखकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहकर अपनी प्रार्थना करके आइए। उसके बाद शिव पूजा प्रारंभ करेंगे। सदा खुश रहो। बंद माँ हो गई है आँख बंद। तेरी मुस्कान मन बंद माँ हो गई है आँख बंद। विक्रम माँ पुलिस में हो तब भी माँ जी की जान नहीं बचा पाए। मेरा और कौन था? वही थी। अब वो हमें छोड़ के चली गई। उन्हें मार देना, छोड़ना मत विक्रम, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। विक्रम। हाँ बोल। बड़ी कॉन्डोलेंसेस टू यू एंड योर फैमिली। ओ सॉरी, अब तो तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है, अब तो सिर्फ तुम्हें मेरी पूरी सहानुभूति। धोखा खा गए विक्रम, मैंने पहले ही कहा था ना। बच के भागने वाला प्रदीप बहुत खतरनाक है, तुमने सीरियसली लिया ही नहीं। उसने तुम्हारी माँ को ही मार डाला। डिपार्टमेंट के लिए तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, सावधान रहना। I am sorry.
सिट डाउन। कॉफी बोलो तुम्हारे लिए। नहीं सर। क्राइम ब्रांच में ही रहना चाहते हो? हाँ सर। तो आ जाओ, कल ही ज्वाइन करूंगा सर। ओके, तुम्हारी मर्जी। सर, वी रिक्वायर द फॉरेंसिक रिपोर्ट एंड एनाटॉमी रिपोर्ट। यस, द फाइल नंबर इज 28/30। मेक इट फास्ट सर, आई कॉल यू बैक। अन्ना नगर के टोनी केस का क्या हुआ? वो तो अभी इंक्वायरी में ही है सर। रमेश, मैंने जो स्टेटमेंट मांगे थे तैयार हैं? रेडी, रेडी हो रहा है सर। तुम तो हमेशा यही कहते रहते हो। अरे हाँ, वो शेखर कहाँ है आजकल? कुछ पता चला क्या? गिरी, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सर, कर्नाटक बॉर्डर में वो कहीं छुपा है, ये खबर मिली है सर। होसो धनपुरी की पुलिस को अलर्ट कर दिया है, जितना जल्दी होगा अरेस्ट कर लेंगे सर। इस बार किसी भी तरह से पकड़ना। श्योर सर। ओके, माँ की केस फाइल लेकर अंदर आ जाओ। प्रिया, ये रही वो फाइल, ये लो। सर। तुम जा सकती हो। विक्रम, बैठो। देखा था पेपर में, पुलिस वालों की नौकरी अंगारों पर पैर रखने जैसा होता है। क्या कह सकते हैं, ठीक है, एक बैग लगा लो, थोड़ा दुख कम हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाहर नहीं जा सकता ना, इसीलिए यहाँ। आप लो तो। आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन? ऑफिशियली मेरी उम्र 50 साल है। 500 रुपए लेकर के मुंबई आया था। आज कार है, बंगला है, पैसा, कुर्सी, ऑलमोस्ट सेटल्ड। 24 तारीख को आप कहाँ गए थे? क्या कहा? 24th of May, उस दिन आप कहाँ पर थे? 24 तारीख को, हाँ, हमेशा की तरह पार्टी ऑफिस में ही था। कुछ गेस्ट आए थे, उन्हें मंदिर लेकर गया था। रात को रात को वो क्या है कि? लेकिन एक मुजरिम की तरह मुझसे सवाल क्यों कर रहा है विक्रम? है तू एक मुजरिम है क्या? सुनाई नहीं दिया, जरा एक बार और बोलो। यस, यू आर एन एक्यूज्ड। मैं तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। किससे बात कर रहा है पता है तुझे? हैं, तू एक क्रिमिनल है, ये बात जानकर ही बात कर रहा हूँ। खड़ा, पुलिस वाला इसीलिए बिठा के बातें कर रहा हूँ, अपनी पुलिस गिरी मुझ पे दिखाएगा? बिना अपॉइंटमेंट के लोग मुझसे मिल नहीं पाते, समझा? ए, उठ यहाँ से। तू मेरी माँ को मारने वालों को मंदिर लेकर आया था, तूने उन लोगों का साथ दिया है, तू एक मुजरिम है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, 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 ओए। इससे उंगली दिखा के बात कर रहा है पता है तुझे? कल तेरी वर्दी ना उतरवा दूं तो मैं एक बाप का नहीं। तूने आखिर समझा क्या है मुझे? तुझे तो मैं याद रखता। मैं एमपी शंकर राव बोल रहा हूँ। ये कौन है विक्रम कुमार? मेरे मंदिर जाते समय उसकी माँ वहाँ आकर मर गई, तो मेरे गेस्ट हाउस में आकर के धमकी देगा वो विक्रम कुमार? तुम कमिश्नर हो ना, बहुत बड़ी तोप है क्या वो विक्रम कुमार? बाकी लोगों की तरह मामूली इंसान मत समझना मुझे, वार्निंग है सर। ओए, अब देख दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या चीज हूँ। कल उसकी वर्दी नहीं उतरवा दी तो मेरा नाम नहीं। इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। वो सिर्फ वीवीआईपी ही नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है। वो एक क्रिमिनल है सर,
शट अप, एविडेंस है तुम्हारे पास? एक पुलिस वाला जो भी बोले उसका सबूत होना चाहिए। जिस दिन मेरी माँ को गोली मारी थी यही इन खूनियों को मंदिर लेकर आया था सर। इसी ने खूनियों को पनाह दी थी सर। मेरी माँ की मौत के साथ इसका लिंक है सर। इससे अगर इंक्वायरी करेंगे तो माँ के कातिल का पता चल जाएगा। देयर यू आर टेकिंग पर्सनल रिवेंज। जज भी अपने रिश्तेदारों को केस हाथ में नहीं लेते हैं, पता है? डिपार्टमेंट की पावर को तुम अपने पर्सनल रिवेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो डेथ दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में चल रहा है, उस केस को वो लोग इंक्वायरी कर लेंगे। तुम बीच में मत आओ। ए, गाड़ी रोको। हेलो सर, क्या कर रहे हो? योर न्यू बॉस एसीपी वनराज। यो, तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे ही। इधर आओ। जाकर एक स्पेशल चाय लेकर आओ। जाओ। सर, वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है सर। ओ, ऐसा क्या? यस सर। तो फिर दो पकोड़े और चटनी भी साथ में लेकर आना। हाँ, जाओ। ओए, अपने चीफ को क्या इज्जत देनी है वो नहीं जानते? यस सर। हाँ, चाय चीनी के साथ या बगैर चीनी? विद हनी। जाओ। हे, या कम हियर, कम। यस सर। मेरा टेबल फैला हुआ हो ये मुझे पसंद नहीं, क्लीन कर दो। कोई तुम सब जा सकते हो, निकलो। यस सर। विक्रम कुमार की इंक्वायरी करने के अलावा जैसा हम सोच रहे हैं वैसे एफआईआर करके लीगली अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? वो एक्यूज्ड है, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सर। उसने एमपी को धमकी दी, उसका सबूत है मेरे पास। विक्रम कुमार को इस खून के केस में अंदर कर देंगे तो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। बस उस इन्फॉर्मर पर अपनी नजर रखना, ऊपर से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। नमस्ते सर। वनराज, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ सर। एवरीथिंग ओके? हाँ, ओके सर, एवरीथिंग ओके। एमपी के मर्डर केस में उसे अरेस्ट कर लो, वारंट इश्यू कर रहा हूँ। तुम्हारी टीम में जो जो लोग चाहिए तुम सिलेक्ट कर लो, बाकी लोगों को गौतम के साथ उसके गांव भेज दो। ऊपर से ऑर्डर है तुम थोड़ा सावधान रहना, इसलिए विक्रम कुमार की पोस्ट पर तुम्हें बैठाया हुआ है। समझ गया सर। तुम? यस सर। और तुम? सर। एंड यू, अपने फोन बंद करके मेरे साथ चलो, एक जरूरी एक्यूज को सिक्योर करना है। You and Kiri, join with Gautam. Follow me. सर, हम किसे सिक्योर करने जा रहे हैं? Hey, hey, hey! तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? मैं कोई विक्रम नहीं हूँ, वनराज हूँ। चुपचाप चलो। Yes, sir. हाँ।
ओपन द डोर। सर ये एसी विक्रम कुमार का है सर। बकवास मत करो, फॉलो मी। हर जगह ढूंढो उसे, सर्च आई से। ओफो, ये तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ए, चुपचाप क्या खड़े हो? सर, 10 साल जिसने डिपार्टमेंट की सेवा की, सर। नो सेंटीमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स। मैं उस विक्रम को अरेस्ट करके रहूंगा। जाओ जाके सर्च करो, जाओ। खड़े मत रहो, जाओ। लेडी स्काउंड्रल, न जाने कहां भाग गया। ए, चलो चलो। क्या हुआ देवराज, मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? विक्रम कुमार ने अपनी माँ के कत्ल के लिए मेरे पार्टी के एमपी का हाथ है करके उनके गेस्ट हाउस जाकर धमकी दी और अब उनका खून भी कर दिया। वो तेरे डिपार्टमेंट का है, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तू? नो नो, वो क्या? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? तू कमिश्नर किस काम का? मैंने 2 स्पेशल टीम भेजी हुई है, वो बच ही नहीं सकता, अरेस्ट कर ही लेंगे। आपने ही तो मुझे इस चेयर पर बैठाया है। आपकी बात मानना ही तो मेरा काम है। बकवास मत कर, करके दिखा। कौन है? सर, कम ऑन। कोई जगह मत छोड़ना, सब जगह ढूंढो, फास्ट। हेलो, ए, बात मत करो। हेलो, तेरे लिए कौन है? रवि, ऊपर जाओ। ए, क्या कर रहे हो? सर जी, साहब, इस बिल्डिंग पर बहुत दिनों से केस चल रहा है, यहाँ कोई नहीं आता। आपको जिस चीज की जरूरत हो ला कर दूंगा। आपको जितने दिन रहना है आराम से रह सकते हैं। हेलो, विक्रम कुमार। नए नंबर से फोन किया है? डरो मत, तुमसे पुलिस वाला बात नहीं कर रहा है। तुम्हें मेरी एक सहायता करनी होगी। एक अक्यूज्ड दूसरे अक्यूज्ड की हेल्प नहीं करेगा तो कैसे? तुम्हारी तो वर्दी उतार ली है ना, अब तुम अक्यूज्ड विक्रम कुमार हो। मैं विदेश में आजाद घूम रहा हूँ, लेकिन तुम अपने ही शहर में बुरखा पहनकर भी नहीं घूम सकते। पहले जान मांग रहे थे, अब सहायता मांग रहे हो। तुम्हें प्रदीप चाहिए, लेकिन मुझे तुम चाहिए। तुम्हें तुम्हारी माँ को मारने वाला प्रदीप चाहिए ना? तुम अच्छी तरह जानते हो वो कहाँ है। मेरी माँ के कातिल को मुझे जिंदा सौंपना होगा। वो प्रदीप जरूर तुम्हारे हाथों ही मरेगा, उसे मैं खुद लाकर तुम्हारे हाथ में सौंपूंगा। वो कहते हैं ना, हर कुत्ते का एक ना एक दिन जरूर आता है, वही हो रहा है अभी, और आगे जो होगा वो। और तुम्हें क्या करना है वो? ये धनवीर ही डिसाइड करेगा। अंडरस्टूड? तो हम जल्दी मिलेंगे। हाँ, ज्यादा बातें मत करो, जो कहा है वो करो। तुम्हें जो चाहिए वो करूंगा, बदले में प्रदीप को मुझे हाँ सौंप दूंगा। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारी माँ को मारने वाला प्रदीप तुम्हारे हाथों ही मरेगा। ठीक है? ठीक है, बताओ कहाँ आना है। अब से तुम मेरे आदमी हो, मेरे पास मत आओ। तुमसे मिलने इंडिया मैं आऊंगा। वी विल मीट। कनेक्शन तो अच्छा हुआ होगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक मिनट बात करके आया। ठीक है सर, आओ। क्या हुआ? ये अपस्कैंडेड सर। बेवकूफ, मुझे कितना परेशान है पता है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था? ऊपर से ऑर्डर आया था, कहा था। उसके बाद सावधान रहना कहा था। तो क्या कर दिया? जब मैं उसके घर गया था तो किसी को कुछ बताकर नहीं गया था। हम अरेस्ट करने वाले हैं ये जानकर वो गांव भी नहीं गया। सर उसे सस्पेंड किए बिना ड्यूटी पर ही उसे एक्यूज बनाकर। डोंट गिव मी सिली सजेशन टू मी, आई एम आंसरेबल। यहां मेरी गर्दन काटी जाएगी। तुम्हारे हाथों में बुलेट और उसे चलाने का अधिकार क्यों दिया है? दिखाने के लिए दिया है क्या? अगले 48 घंटों में तुमने उसका पता लगाकर उसे अरेस्ट नहीं किया तो तुम और हम मिलकर उसे भगाया है, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट में ही एलिगेशन डाल दे। मुझे ये कॉमा ही पसंद नहीं है। आई लाइक ओनली फुल स्टॉप। उसके माथे पर लगा दो, गो एंड कैच हिम आउट। सर मुझे बताइए।
मारिए सर, सर मैंने क्या किया सर, सर मुझे बस इसे मारो मत, पूछो सब बता देगा, और अगर इसने नहीं बताया तो जिंदा वापस मत भेजना। सर मैंने उनको कभी नहीं देखा सर, सच बोल रहा हूँ। साहब मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, सुनो भाई तुम जरा यहीं रुको। मेरे पास जीप है, आइए सर चलते हैं। नो 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 प्रॉब्लम, मेरे गेस्ट हाउस के बाहर मेरी गैंग ही मेरी सिक्योरिटी का काम करती है। सर कमिश्नर ने एसएमएस भेजा है। सिक्योर विक्रम, गेट डाउन जाओ, भेजा दो विक्रम, तुम आओ। रुके सर, जाना मत, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे हाँ? क्या करना है तुम्हें नहीं पता? नहीं पता क्या करने वाले हो? तू तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, नहीं समझे? नहीं सर, नहीं समझा मैं। सब पीछे हट जाओ, हटो, सिर्फ उसे आने दो, विक्रम को गोली मारने का डिपार्टमेंट से ऑर्डर है। ओए, तू पागल है क्या? मेंटल है क्या? कानून के मुताबिक इन्हें कोर्ट को सौंपना चाहिए, पता है ना? तुम सभी को सर ने ही ट्रेनिंग दी थी ना, क्रिमिनल्स को छोड़ना नहीं चाहिए, स्पॉट पर ही गोली मार देनी चाहिए। मुंह बंद करके तमाशा देखो। ओए, डिपार्टमेंट के लिए कितना कुछ किया है पता है तुम्हें? मूव, नहीं नहीं। सर हाथ इधर लाइए सर। सर इंटेलिजेंस की तरफ से एक मैसेज है।
आखिर टोपी उतर गई ना, एक दिन मेरे हाथ जरूर लगेगा। तो मैंने फोन पे ही बोला था आज तेरे बोल्ट मैं खोलूंगा। गुंडा है ना तू, बोल फोन पर धमकी देता है, अब दे धमकी। विक्रम, व्हाट अ सरप्राइज। मैं तुमसे ही मिले मेंढिया आया था। तुम्हारी माँ को मारने वाला प्रदीप, उस प्रदीप को तुम्हें सौंपना है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग प्रदीप एनी टाइम हियर। बता मेरी माँ को क्यों मारा? माँ को? और मैंने? तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा विक्रम, प्रदीप बचकर भागा ना, वो प्रदीप उसने मारा। उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। जिस दिन प्रदीप को पकड़ा था उसी दिन उसे गोली मार दी थी। जिस दिन तूने फोन करके कहा था कि मेरी माँ को प्रदीप ने मारा है, उसी दिन समझ गया था कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ तेरा हाथ है। नो नो, मुझे मत मारना। तुम्हारी माँ की मौत की वजह कौन है ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। कौन है? कौन है? तुम्हारी माँ की मौत तुमने ही। बहुत बड़ा एनकाउंटर ऑफिसर विक्रम कुमार, नशा हो गया था ना तुम्हें, टप टप करके गोली मार दिया करते हो ना। बाकी पुलिस वाले भी तो पिस्तौल रखते हैं ना, जैसे तुम अकेले ही पिस्तौल लेकर पैदा हुए हो। प्रेस से क्या बोला था? मैं कोई हिसाब नहीं रखता। घमंड था ना मरने वालों के बाप भाई, मामा साला, बीवी और हाँ दूसरी बीवी रखे हैं तेरा सारा हिसाब पूरा करने के लिए। उस धर्मपुर के ग्रेनेड किंग वीर सिंह को भगा भगा कर गोली मारी थी ना, याद तो है ना तुम्हें? तुम तो उसे गोली मारकर निकल गए। उसके मरने के बाद किस्मत उसकी बीवी की चमक गई और वो मंत्री रेणुका देवी बन गई। मंत्री रेणुका देवी जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। ठीक है ठीक है। लीजिए मैडम। मैडम मरे नहीं हो, आप मेरे लिए जिंदा हो और हमेशा रहोगे। आपके सीने में घुसी गोलियां मुझे अभी भी चुभ रही है। आपको गोली मारने वाले उस पुलिस वाले को उसके परिवार समेत ना खत्म कर दो तो मेरा नाम रेणुका नहीं, एक औरत महाभारत भी करा सकती है। ये मैं फिर से दुनिया को दिखा दूंगी। रेणुका देवी के टारगेट सिर्फ तुम ही हो। उस कमिश्नर देवराज को अपॉइंट किया है,
सिर्फ तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। पहली चोट तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ को मार डालना, उसके बाद तुम्हें कातिल बनाकर तुम्हारी खाकी वर्दी को उतरवा देना। जल्दबाजी में तुमने एमपी को धमकाया और वो सीधे रेणुका देवी के घर जाकर बोला कि उसने मुझे खूनी बोला है, अब उसे ही खूनी बना देना है। उस एमपी की इच्छा पूरी करने के लिए उसी को मारकर तुम्हें कातिल बना दिया। डिपार्टमेंट में हजारों की सैलरी देने पर तुमने खून किया, मैंने लाखों में लेकर, तुमने जो नौकरी की उसका मैंने धंधा किया। तुम उसे हमेशा गलत बोलते हो ना, तुमसे तुम्हारी माँ भी नहीं बचाई जा सकी, पुलिस की नौकरी भी नहीं बचाई जा सकी। तुम्हें सिक्योर किया तो तुम मर गए होगे ऐसा सोचा था, लेकिन तुम फिनिक्स चिड़िया की तरह उड़ते हुए मेरे सामने आके खड़े हो गए। तुम्हारी उम्र लंबी है, तुम फिर से खाकी वर्दी पहन सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, तुम्हें मिनिस्टर से माफी मांगनी होगी। व्हाट हैपेंड? नथिंग। तुम जब पुलिस में थे तब मेरी लाइफ का फैसला करने वाले थे, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है। रेणुका देवी अगर तुम्हें माफ कर दे तो दोबारा से तुम खाकी वर्दी पहन लोगे। एक्स्ट्रा दो स्टार्स के साथ तुम सोचोगे कि अब तो एक्यूज्ड हूं मैं, फिर से पुलिस बनकर डिपार्टमेंट में कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तुम राजनीति में आ जाओ, तुम उसके लायक हो। तुम्हारा बैड लक, तुम मेरे दुश्मन बन गए। तुम और मैं अगर हाथ मिला लें तो इंडियन पुलिस ही नहीं इंटरपोल को भी धूल चटा सकते हैं। विक्रम कुमार बिकम तेरी माँ की मौत के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, समझा? मैडम स्टीम बात ले रही हैं, आधे घंटे तक कोई डिस्टर्ब ना करे उन्होंने कहा है। जूस मंगवाया है, मैं लेने जा रहा हूँ सर। एवरीथिंग इज क्लियर सर। पार्टी के एमपी का खून करके इल्जाम मुझ पर लगा दिया तूने? बोल मेरी माँ को क्यों मारा? मेरी माँ निर्दोष थी। तेरा पति मेरा क्या था, साथी था या दोस्त था? डिपार्टमेंट ने गोली मारने को कहा तो मार दी, या तो गोली मारने वाले को मारा होता या मुझे मारा होता, लेकिन इसकी बजाय तुमने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला। तेरा पति अगर सांप था तो उसके मुंह से निकला हुआ जहर हो तो तुझे जीने का कोई हक नहीं।
तमिलनाडु, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी आप सब लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए। नमस्कार, मैंने पुलिस की नौकरी को अपना जीवन माना, लेकिन कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाकर कई अफवाहें फैलाई। मैं जान के डर से नहीं छुपा हूं, मैं बेकसूर हूं इसे साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए था, इसीलिए गायब हो गया था। कानून मुझे समझकर मेरे साथ न्याय करेगा तो फिर मैं हाजिर होकर अपनी तरफ की दलीलों को और सबूतों को पेश करने के लिए तैयार हूं। इसके लिए विशेष न्याय समिति का प्रबंध किया जाए। इस क्लिप को मैं मीडिया के जरिए आपके सामने रख रहा हूं। कौन राजनेता, कौन अधिकारी इसके पीछे है, ये जरूर बताऊंगा। मैंने जिनका एनकाउंटर किया वो ना मेरा भाई था ना चाचा, वो मेरा दुश्मन था। मेरे किए हुए एनकाउंटर्स के पीछे मेरे अधिकारी, राजनेता कौन कौन है, ये बात वीआईपी नाम इस्तेमाल करके कानून के हाथ में ना आने वाले लोग, उनका नकाब उतार कर मैं उन्हें कानून के सामने लेकर आऊंगा। सच बताने से नहीं डरूंगा, ये मेरी चेतावनी है। कानून की इज्जत करता हूं, इसलिए विशेष न्यायालय में हाजिर होऊंगा। नैतिक आधार पर मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, मैं आपके फैसले का इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। संभल कर उतरिएगा, आइए। कर ही उतरूंगा मंत्री जी। आइए, नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। अरे आइए। नमस्ते सर, उस एसी का इंटरव्यू देखा? देखा, आईपीएस अब हमारी सरेआम धोती खींचने पर तुला हुआ है, अब हम राजनीति कैसे करेंगे? अरे छोड़ो ना मंत्री जी, वो कैसे स्पेशल कोर्ट पहुंचेगा हम भी देख लेंगे। आप परेशान मत होइए, आइए। नमस्ते, ठीक है। कपड़े तो नहीं फटे ना? एक दूंगा, कल तक सब ठीक ठाक चल रहा था, आज उस आईपीएस के इंटरव्यू ने हमारे जिंदगी बर्बाद कर दी। आईपीएस अधिकारी ने पदवी लेते समय शपथ लेकर ही पदवी ली होगी, ये सब छोड़कर, सरकार पक्ष के लोगों को छोड़कर वो हम लोगों को क्यों फंसा रहा है? बोलिए बोलिए। चुप रहो ना, तुमने भी तो पदवी लेते समय लंबा सा शपथ ग्रहण किया था, वैसे चलते हो क्या? बड़े बोलने आए। मैंने हाथों में चूड़ियां पहनी है क्या? आज भी खून खराबा किए बिना दिन नहीं ढलता। क्या कर रहे हो तुम सब लोग? उस विक्रम को मारने के बजाय तुम लोग यहाँ बैठे हुए क्यों हो? है? आप हाँ तो बोलिए भाई, चाहे कहीं भी छुपाओ, उसे खत्म कर देते हम लोग। हाँ, बड़ा आया खत्म करने वाला। हम लोगों ने तो हाथों में चूड़ियां पहनकर बस तालियां बजाना सीखा है। जब तक ये अधिकारी हमारे अंडर में है तभी तक हम जैसे नेताओं की सेवा होगी कह देता हूँ, वरना आईपीएस आईएएस मिलकर ग्रुप बनाकर जनता के सामने हमें लाकर खड़ा कर दिया तो हमारी कहानी समझ लो खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए। पीपी गजेंद्रा हो या पीपी गजेंद्रा, बेकार में हल्ला मत कर, बैठ गया। देखो भाई, पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सब राजनीति में एक ही जाति के हैं। हम पर पुलिस वाला शक की दृष्टि रखता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बस बोलते ही रहो तुम। वो विक्रम कुमार कैसे विशेष कोर्ट पहुँचेगा मैं भी देखता हूँ, वो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। मिस्टर विक्रम कुमार की इच्छा पूरी होनी चाहिए, हमारा आईपीएस एसोसिएशन उनको सपोर्ट करेगा। उनके केस के लिए विशेष न्यायालय निर्मित कराया जाए, विक्रम कुमार के न्याय मिलने तक आंदोलन चलेगा। सुनो कमिश्नर, उस विक्रम कुमार को ढूंढ रहा हूँ कह रहे हो, वो टीवी पर इंटरव्यू देकर सरेआम हमारी धोती खींच रहा है। क्यों जी, अब हर कोई मुझे टेंशन क्यों दे रहा है? भारत के सभी आईपीएस साथ मिलकर उसके लिए एक विशेष कोर्ट बनाने की डिमांड कर रहे हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ सर? अभी तुम विशेष न्यायालय के लिए हाँ कर दो, उसके बाद वो जहाँ छुपा होगा बाहर आ ही जाएगा, फिर तुम उसे ठिकाने लगाना या मैं लगा दूंगा, क्या कहते हो? आपने मुझसे कह दिया है ना, अब मैं एक्शन ले लूंगा, वो तो मेरा भी दुश्मन है ना। विक्रम कुमार का एनकाउंटर करना है, दिस इज माई ऑफिशियल ऑर्डर। आपको जो मेथड यूज करना है करो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। शूट हिम एट साइट। यस सर। बट वन थिंग, नो मोर एक्सक्यूज। गाड़ी का इंश्योरेंस है क्या? लाइसेंस दिखाओ, आओ इधर आओ, दिखाओ गाड़ी, दिखाओ बाइक की आरसी भी कहाँ है, सब चेक कराओ। आरसी बुक कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, जाके साहब को दिखाओ, जाओ। हाँ वो देखो, वो पेपर अधिकार, ये हाँ।
इसने क्यों सैल्यूट मारा? ए, हेलमेट उतार। ए, पूरा उतार। विक्रम कुमार आप? ए, पकड़ो। आखिर कब तक छुपाएंगे सब कुछ? इसीलिए विक्रम कुमार के केस में पुलिस वाले हमारे सामने पूछताछ करने से रोक रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये न्याय हमारे सामने नहीं होगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। गलती करने वाला पुलिस वाला कौन है, राजनेता कौन है, ये सब हमें पता चलना चाहिए। विक्रम कुमार कोर्ट में आएंगे क्या सर? नो सर, क्या जवाब दूंगा? आगे चलो, हमारे लोगों को मार कर दो, शहर के अंदर नहीं रख सकते। मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं उनका जवाब ये स्टेटमेंट है सर। व्हाट मिस्टर प्रोसिक्यूटर? जनता के सामने अपने बयानों में बड़े बड़े राजनेताओं का नाम लेकर, डिपार्टमेंट के अधिकारियों का नाम लेकर, कई झूठे इल्जाम लगाकर ये अपना गुनाह छुपाने के लिए क्रिमिनल प्लान कर रहे हैं मिस्टर विक्रम कुमार। ऐसे केसों के लिए जब हमारे पास न्यायालयों के होते हुए ये आईपीएस ऑफिसर है, सिर्फ इस वजह से आज निर्मित की गई विशेष अदालत की पूछताछ महत्वपूर्ण थी। ये बहुत गलत फैसला किया गया है। कानून सभी के लिए एक समान है। आप कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सेना में गुनाह करने वालों के लिए अलग से कोर्ट होता है या नहीं?
तो क्या उसी तरह से पुलिस के लिए भी एक अलग से कोर्ट नहीं होना चाहिए? सेना की तरह दिन रात ठंड बरसात गर्मी में दिन रात देश की रक्षा करने के लिए जो अपना जीवन त्याग देते हैं वो सैनिक, उनसे अपना कंपेयर करने की आपकी औकात नहीं है। तमिलनाडु में दिन दहाड़े एक पुलिस वाले को तलवार से काटकर मंत्री के सामने तड़पाकर नहीं मारा गया, क्या वो शहीद नहीं कहलाएंगे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री की रक्षा में न जाने कितने लोग ह्यूमन बॉम्ब के फटने से मरे, क्या उन्हें हम शहीद नहीं कहेंगे? हमारे देश में 130 करोड़ की जनसंख्या के बीच में अच्छा कौन है, बुरा कौन है, चोर कौन है, टेररिस्ट कौन है, न दिन देखते हैं न रात, हम पुलिस वाले हमेशा तैनात खड़े रहते हैं, तभी सरकारी वकील भी घर में चैन से सो पाते हैं। एक सेना के जवान को और पुलिस वालों को जनता के सामने चलाओ तो सेना के जवान को मिलने वाली इज्जत आपको थोड़ी लगेगी। आप लोगों को मजाक में लोग मामू कहते हैं, रिश्वत देते हैं। कितने केसों में मुजरिमों को सजा दी है और कितने केसों में उन्हें बचाया है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। न्यायालय में टोपी बाजू में दबाकर सर झुकाकर चूहे की तरह खड़े रहने की औकात है इनकी। पुलिस अपनी जान पर खेलकर जब भी मुजरिम को पकड़ती है, हनुमान की पूंछ की तरह उसका भाई या बाप या कोई और किसी भी तरह से राजनीति का उपयोग करके एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद कोई अधिकारी हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो अगले ही दिन उसे थाने से बाहर कर दिया जाता है। जानते हैं क्यों? ताकि कंट्रोल उनके हाथ में रहे। आठवीं फेल एजुकेशन मिनिस्टर है इस देश में, और किसी देश में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ही होता है। सलाखों के पीछे रहकर जेल की रोटी खाने वाले अगर कानून बनाने वालों की जगह पर आकर बैठ गए हैं, इसलिए आईएएस आईपीएस उनके गुलाम बनकर रह गए हैं। जो उन्हें पसंद नहीं है उन्हें काटने के लिए कहते हैं, मन आए तो छोड़ने को कह देते हैं। पुलिस वाले इंडिया में नौकर बनकर रह गए। पुलिस डॉग की गर्दन से पट्टा निकालकर कहो आरोपी को पकड़ो तो भागकर पकड़ता है, रोकने को कहो तो चुपचाप खड़ा हो जाता है। आज की हमारी हालत और पुलिस डॉग की हालत में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जज साहब, ये एक्यूज्ड है। अधिकारियों के कहने पर ही तो किया था, तो मैं कैसे एक्यूज्ड हो गया? एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ राजनेता, एक तरफ कानून की चोट से मार खाए हुए लोगों का समूह, इन सबसे ऊपर डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी। जस्ट ओबे द बॉस, जो कहता हूँ वो करो, ये ऑर्डर देते हैं। और जनता, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने खड़ा कर दूंगा, तुम्हारी टोपी उतरवा दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, इस तरह की धमकियां देते हैं। बताइए, सेना के जवान को टोपी उतरवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा कोई कह सकता है? या फिर हमारी तरह टॉर्चर कर सकता है? सेना के जवानों की तरह पुलिस को भी सुरक्षा दी जाए तो हम भी सर उठा के खड़े हो सकते हैं। अभी तो हम सर उठाकर सैल्यूट भी नहीं कर सकते। किसी सेना के नौजवान को रोड पर पुलिस वालों की तरह 5-10 रुपए के लिए हाथ फैलाते दिखाए क्या? लेकिन छोटा केस हो या बड़ा केस हो, पुलिस वाले हाथ फैलाकर मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। पब्लिक इसीलिए तो आपको करप्ट कहती है। किस डिपार्टमेंट में रिश्वत नहीं है? पुलिस की नौकरी पाने के लिए रिश्वत है। रिश्वत खत्म करने का दावा करने वाले ही पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेते हैं। बजट के 2,00,000 करोड़ रुपयों को अगर एक मंत्री चाहे तो एक टेंडर के जरिए रिश्वत के तौर पर एक बार में कमा सकता है। बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था ना, टूट कर गिर गया। चेन्नई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, वो भी कितनी बार गिर चुका है। कब किसके सर पर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी वजह, कॉन्ट्रैक्टर कहता है रिश्वत से बचे पैसों से ऐसा ही पुल बन सकता है। हमारे देश में 13 लाख सेना के जवान हैं, उन्हें भी अगर देश के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे तो घोटाले नाम के इस कुएं को बंद कर सकते हैं। ब्रिज बनाना, रोड बनाना, हवाई अड्डे बनाना, स्टेडियम बनाना, मेट्रो रेल और कम्युनिकेशन के नाम से जनता की गाड़ी कमाई के पैसों को, देश के विकास के कार्यों को कॉन्ट्रैक्टर को देने की बजाय उन्हें कमीशन के लिए ना दिया जाए, इन सभी कार्यों में हमारे देश की सेना का उपयोग किया जाए तो बस, तो इंडिया को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। सेना का उपयोग देश की रक्षा के लिए किया जाता है ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन नहीं। झगड़ा होता है तो सेना की जरूरत पड़ती है, भूकंप आता है तो सेना की मदद ली जाती है, सुनामी आए तो भी सेना की मदद ली जाती है। तो देश के विकास के लिए मदद लेने में क्या गलत है? मदद ले सकते हैं सर, इट्स अ गुड आइडिया, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड। इंडियन पीनल कोड आज मजाक बन गया है, राजनीति पीनल कोड ही ज्यादा मान्य है। जिस दिन हमारे देश में पुलिस के लिए एक अलग न्यायालय बनेगा उसी दिन इंडियन पीनल कोड शान से खड़ा होगा, सिस्टम बदलेगा। तब कहना कि सेना का जवान और पुलिस अधिकारी को लोगों के बीच खड़ा किया जाए तो सेना के जवान को देखकर सैल्यूट मारेगा और पुलिस वालों को देखकर हाथ जोड़कर नमस्ते करेगा। कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझसे कहा जाए कि कोर्ट को सौंप दिया जाए तो उसे पूरा करना मेरी ड्यूटी है। ठीक उसी तरह मेरे अधिकारी ने जो कहा था उसी को मैंने पूरा किया। मैंने जिसका एनकाउंटर किया वो महात्मा नहीं थे, देश की सेवा करने वाले भी नहीं थे, सबके सब क्रिमिनल थे, सजा के अधिकारी थे। तो आप ये कहते हैं कि आपने कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने ही आपके ऊपर एक्शन लिया। खून करने वाले से खून के लिए उकसाने वाला बड़ा गुनहगार है। ऐसे देखा जाए तो ये नियम बनाने वाला सिस्टम पहला आरोपी है, ये सब करने का ऑर्डर देने वाला डिपार्टमेंट दूसरे नंबर का आरोपी है, पूरा करने वाला मैं तीसरा अपराधी हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझसे पूछताछ करने से पहले इन सब लोगों से पूछताछ की जाए।
मुझे भरोसा था कि मुझे यहाँ पूरा न्याय मिलेगा, इसीलिए सरेंडर किया है। विक्रम कुमार को छोड़ो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मुलजिम के रूप में यहाँ खड़े मिस्टर विक्रम कुमार कानून को नहीं मानते ऐसा आप कहते हैं, लेकिन कानून की इज्जत करके ही तो इन्होंने सरेंडर किया है, और आप बोल रहे हैं कि इन्हें बेल ना दी जाए। मान लीजिए इन्हें हम अरेस्ट कर लेते हैं, इनके द्वारा सजा भुगत रहे कई मुजरिम भी अंदर होंगे, उनसे इनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या आप इनकी रक्षा की गारंटी लेंगे? विक्रम कुमार, आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत आपको 30 दिन की बेल देती है। विक्रम कुमार की जान को आतंकवादियों से या कुछ पुलिसकर्मियों से खतरा हो सकता है, इसीलिए इन्हें जेड सिक्योरिटी दी जाए, ये अदालत का आदेश है। विक्रम कुमार पर लगाए गए सारे इल्जामात की पूछताछ और उसकी छानबीन करने के लिए सीबी और सीआईडी को ये अदालत आदेश देती है। रिश्वत और घोटालों को रोकने के लिए, हमारे देश का विकास करने के लिए सेना की मदद ली जाए, केंद्र सरकार को ये अदालत राय देती है। हमारे देश के विकास के लिए सेना की मदद लेने की ये बात साकार होगी क्या? जरूर वो होकर रहेगा, हमारे देश के विकास के लिए ये जरूरी है। सर, पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग से न्यायालय बनाया जाएगा? एक दिन जरूर बनाया जाएगा, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन सर, 103 करोड़ लोगों की कमाई के पैसों को विकास के नाम पर लाखों और करोड़ों का घोटाला कर देते हैं। आगे से अगर ये घोटाले बंद करने हैं तो सब कुछ सेना के हाथ में देना चाहिए। इस फैसले को कानून में लेकर आओ कि सब कुछ सेना के हाथ में होना चाहिए, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। के पैसे कमाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट देने के बहाने राजनेता और बाबू लोग करोड़ों का घोटाला कर लेते हैं। हमारे देश में कई लाख सेना के जवान हैं। ब्रिज बनाना, रोड बनाना, बड़े बड़े ऑफिस में मैनेजरों की जगह बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट सेना द्वारा दिए जाए तो कोई पक्षपात नहीं करेंगे, कोई घोटाले नहीं होंगे। इस फैसले को सत्ता में लाओ, रिश्वत और घोटालों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, घोटालों को बंद करो। हमारे देश के विकास के लिए सेना की मदद लेनी चाहिए। विक्रम कुमार की ये इच्छा जनता पूरे जोर से साकार करना चाहती है। देश के कई हिस्सों में जवान, बड़े बुजुर्ग विक्रम कुमार की इच्छा को कानून में लाने के लिए ऐसे सड़क पे उतर आए हैं, इसलिए हमारे देश के कई हिस्सों में ऐसे ही आंदोलन चल रहे हैं। देश के विकास के लिए सेना की मदद लेनी चाहिए, इसके लिए इंडिया में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। देश के विकास के लिए सेना की मदद लेनी चाहिए, जनता को ये समझ आ गई है सर। खुशी की बात है, जो कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिखाया है सर।